स्वागत है आप सभी का WNA पे। आज का ये हमारी पहली क्लास है और हम शुरू कर रहे हैं एशियन गेम से, जो हिस्टोरिक मेडल इस बार पाया है। हिस्टोरिक मेडल, और आप सब बता दीजिएगा मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं। वॉइस ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन कंफर्म है, 100% तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कंफर्म है 100%, क्योंकि मैं आपको PYQ दिखाऊंगा कि अगले एशियन गेम से कैसे आया था, ओलंपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, हम सब देखते हैं इसमें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो इंडिया इंडिया ने 107 इंडिया ने 107 जीता है। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, रेड कर लेते हैं। ओके, पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम देखते हैं। दी एशियन गेम ऑल्सो नोन एज एसियाड, ये एशियन गेम हर 4 साल पे एक बार होता है। ठीक, इस बार कहाँ पे हुआ था? अपना चाइना में हुआ। कहाँ पे? चाइना में हुआ था। राइटिंग का माफी माफी फॉर दी राइटिंग। ठीक, और ये रेगुलेट कौन करता है? एशियन फेडरेशन। ओके, एशियन गेम फेडरेशन रेगुलेट करता है। और फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक, और इनोग्रल इनोग्रल इवेंट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और पहला, और अगर ये वाला चाइना ने इस बार तीसरी बार हेल्ड किया था। ठीक, और इंडिया कितनी बार हेल्ड किया है? इंडिया 2 बार हेल्ड किया है, 2 बार। ठीक, एक बार 1987 में और एक दूसरा पहला 1951 में, ये 2 बार हेल्ड किया है इंडिया। एशियन गेम का मोटो क्या होता है? मोटो, एवर ऑनवर्ड, विच इज़ द डिजाइनड बाई पर्पज उरु दत्त सोंधी अपॉन द क्रिएशन। यहाँ ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। और एशियन गेम 2023, जैसे कि मैंने बताया कि तीसरी बार एशियन गेम चाइना होस्ट कर रहा है, ये 19th एडिशन था। एडिशन से इस बार क्वेश्चन आया था सीडीएस सीडीएस 2023 में, जैसे वहाँ पे मतलब 4 साल से लगातार पूछ दिया था, योगा से आया था। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि 6th एडिशन कहाँ का थीम क्या था, 7th एडिशन का थीम क्या था, 8th एडिशन का थीम क्या था, 9th एडिशन का थीम क्या था, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। मैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस गए थे, लेकिन आप लोग नहीं फंसोगे क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो WNA 7 से। ठीक, इस बार सीरियस क्लियर करना है। इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था मेमोरीज ऑफ जनगम। ओके, और रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? होस्ट सिटी था, कल्चर ऑफ द हेरिटेज। और यहाँ पे कितनी कंट्री ज्वाइन की थी, पार्टिसिपेट किया था इस गेम में, एशियन गेम में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट किया था? 15 से भी ज़्यादा गेम कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 40 से भी ज़्यादा गेम इंक्लूड थे, 40 से भी ज़्यादा गेम इंक्लूड थे। इसमें नया गेम कौन सा ऐड हुआ? ई स्पोर्ट, ई स्पोर्ट एंड ब्रेक डांसिंग, ये दोनों गेम इस बार इंट्रोड्यूस हुआ। एंड हाँ, ये देखो मैंने PYQ भी डाला हूँ आप लोग के लिए, जो अभी बताया मैं कि 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन, 9th एडिशन से करके जो इस बार का ये है सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, ये भी सीडीएस सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। अगर इसमें अब देखें तो 1 साल, 2 साल, तीसरा साल, 4 साल का सीधे पूछा था। ये है जैसे कि अपना है, ये 2023 का है, 2022 का, 2021 का, 2020, मतलब कोई भी लड़का 4 साल से थोड़ी ना तैयारी करता हो। लेकिन सीडीएस का लेवल ठीक ठाक था इस बार। ठीक, तो 6th एडिशन का क्या होगा? फर्स्ट का 2 होगा, 7th का 1 होगा, 8th का 4 होगा, एंड 9th का वसुधैव कुटुंबकम। और यहीं पे देखिए, अभिनव बिंद्रा ने विनर ऑफ द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, इन्होंने ये वर्ल्ड गोल्ड मेडल कब जीता था? 2008 में जीता था एक्चुअली में। बट क्वेश्चन कब आ रहा है? इस बार आ रहा है। ठीक, 10 मीटर राइफल में बीजिंग में, जो चाइना में गोल्ड ओलंपिक हुआ था उस समय का, 2008 में चाइना में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल अभिनव। और कौन से गेम से आते हैं? कौन से
एयर राइफल से आते हैं। ठीक, मैं आपको PYQ भी दिखाते चलूँगा। हाँ, ये जो है ना, ये पेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है आप लोग के लिए। जैसे एडिशन से अभी आपको दिखाया कि 2018 में कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। 2023 में कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ। 2026 में कहाँ पे होगा, जापान में होगा। 2030 में कहाँ पे होगा, कतर में होगा। 2034 में कहाँ पे होगा, रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। अगर मैं आपको करंट अफेयर्स से अगर कनेक्ट करूँ, तो NPCI जो अपना UPI पेमेंट का है, उन्होंने UAE के साथ पार्टनरशिप किया है कि जो भी इंडियन टूरिस्ट होगा वहाँ पे जाके UPI से ट्रांजेक्शन कर सकता है। ओके, कितना गोल्ड मेडल आया, 28 गोल्ड मेडल आया, 38 सिल्वर आया, ब्रॉन्ज 41 आया। ठीक, जैसे मैं आप लोग को बताया, इंडिया का इस बार फोर्थ पोजीशन था। ठीक, टोटल 107 मेडल आया। ठीक, डिड यू नो, जैसे हमको बताया 82 में इंडिया ने दूसरी बार होस्ट किया था इसको। इस बार टॉप पे कौन रहा, चाइना रहा, जापान रहा, उसके बाद कोरिया रहा, उसके बाद अपना प्यारा भारत इंडिया रहा, उसके बाद उज्बेकिस्तान। ये मेडल, ये टोटल वाला मेडल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, ये गोल्ड कितना था, सिल्वर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इंडिविजुअल में कौन कौन क्या क्या जीता, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन देखें, अभिनव बिंद्राला, वैसे शिफ्ट कौर शर्मा शूटिंग से हैं, वोमेन 50 मीटर हाइट में थर्ड पोजीशन बनाए अपना। पलक गुलिया, वो भी शूटिंग से हैं। अविनाश साबले, ये भी एथलीट है जिसने मेंस में 3000 मीटर में स्टेप चेस की है। तेजपाल सिंह तौर, ये भी एथलीट से हैं, मेन शूटिंग पुट। नीरज चोपड़ा, जो आपके फेवरेट और मेरे भी फेवरेट, सिंपल सी बात है, जिन्होंने ओलंपिक में, जिनको हम लोग गोल्ड गोल्डन बॉय भी बोलते हैं, गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। ठीक, जिन्होंने मेन्स जैवलिन में, जिन्होंने इंडिया में जैवलिन का क्रेज लेकर आया, अन्नू रानी, अन्नू रानी ने गोल्ड जीता है इसमें। ठीक, और ये पहली महिला बनी है। ठीक, एंड पारुल चौधरी, एथलीट से हैं, जो ज्योति सुरेखा, ये आरके से है, एंड ओसर परवीन, ये भी आरके से है, मेन है, कंपाउंड इंडिविजुअल में जीते हैं। इंडिया एशियन गेम डबल में कौन कौन जीता है, पेयर में, रोहन बोपाना, ऋतुजा भोसले, मिक्स डबल टेनिस चैंपियन टीम है, टेनिस से है। बस आप लोग को क्या करना है, ये नाम याद करना और कौन से स्पोर्ट्स से हैं, ये करके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन से स्पोर्ट्स से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है। कोई भी अभी आपको दे देगा, हरिंदर पाल सिंधु, ये कौन से हैं, स्क्वेश से हैं। अभी आपको दे देगा दिव्यानाश सिंह पवार, ये कौन से हैं, शूटिंग से हैं, इन्होंने मेंस एयर लाइफर की टीम में थे, 10 मीटर एयर लाइफर के टीम में। मनु बाकरे, मनु बाकरे जो है एशिया सिंह, वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम में, ये भी शूटिंग से है। अर्जुन चीमा, सरबोज सिंह एंड शिव नॉर्थ, इंडिया की ये टीम थी किसमें, शूटिंग में, एंड अखिल सहरावत, ये भी इंडिया की टीम थी, थर्ड पोजीशन पे आई, ये भी किससे है, शूटिंग से। अब देखते हैं टीम, मतलब एक स्क्वैश में कितने लोग थे, तो टीम में, मतलब एक टीम बनती है, ठीक, उस टीम को लेके कौन कौन थे और कौन कौन ने अच्छा परफॉर्म किया, किसमें, एशियन गेम में कौन कौन अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग अभी वो देखते हैं। अभी हॉकी टीम में, हॉकी टीम के जो मेंस थे, उन्होंने मेंस, वो भी हॉकी इवेंट, कबड्डी टीम, इनकी अभी क्रिकेट, हाँ T20 क्रिकेट, अभी अगर मैं आप लोग को बताऊँ, कनेक्ट करूँ करंट अफेयर से, तो T20 लॉस के जो ओलंपिक 2028 में होने वाले हैं, वहाँ पे इसको ओलंपिक में ऐड कर दिया गया है, इसको ओलंपिक में
ऐड कर दिया गया है 120 28 साल बाद, अब आई थिंक 128 साल बाद, आई मेरे हिसाब से 1900 में खेला गया था। हाँ 1900 में पहली बार खेला गया था। और कौन कौन ने ब्रेक किया है रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड कौन कौन तोड़ा है? ठीक, अभी पारू चौधरी गोल्ड मेडल जीती है वोमेन 500 रेस में, और ये पहली फीमेल बनी है, पहली फीमेल बनी है। ठीक, और अन्नू रानी, अन्नू रानी इस बार मेरे को जहाँ तक लग रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुकी है। ठीक, और इन्होंने अपना ओलंपिक में भी जगह बना लिया है। ठीक, इन्होंने सीजन बेस्ट थ्रो मारा है चाइना में। ठीक, एंड ये वर्ल्ड की पहली महिला बनी है अभी, इंडियन तेजस्वी शंकर ब्रेक नेशनल रिकॉर्ड विन हांजुग। इंडिया शूटर शिव कौर शर्मा क्रिएट किए हिस्ट्री बाय सेमिंग एवरी रिकॉर्ड पॉसिबल ऑन हर वे टू विनिंग गोल्ड दी ओमेन 50 मीटर राइफल। एंड कौन सा पोजीशन होल्ड किया है? थर्ड पोजीशन इन्होंने होल्ड किया है। पलक गोलिया जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल वोमेन में इन्होंने न्यू गेम रिकॉर्ड बनाया है टोटल 242.1 का। ठीक, वहीं पे संजना बतुला जिन्होंने यंगेस्ट इंडिया टू विन द मेडल इन एशिया गेम, सबसे यंगेस्ट जो प्लेयर थी इन्होंने विन किया हुआ है एशिया गेम में, जीती हैं। और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन थी इस बार? जग्गी शिवदासानी, जो उन्होंने सबसे ओल्डेस्ट कितने साल के? 65 ईयर के थे। ये भी इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। अभी अविनाश साबले अविनाश साबले बने हैं फर्स्ट इंडियन मेंस सिक्योर किया है अपना गोल्ड मेडल इन 3000 स्टेपलेस इवेंट में, जो कहाँ पे हो रहा था? चाइना में हो रहा था। इंडिया मेंस क्रिकेट ये तो आप सबको मालूम है, क्लीचिंग गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा विन गोल्ड मेडल थ्रू द ETE। मेरे को याद है कि ये वाला ना शायद CDS 1 2023 या NDA में 2023 या NDA 1 2023 में पूछा था वो, जहाँ तक ये इसका रिकॉर्ड जब इन्होंने ओलंपिक में जीता था। अगर मैं नीरज चोपड़ा से आपको बताऊँ, डायमंड डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगली बार जब डायमंड हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड नहीं ला पाया था। ठीक, लेकिन इस बार इन्होंने डायमंड में गोल्ड लेकर आया। इंडिया विन गोल्ड आफ्टर 41 ईयर हॉर्स रेसिंग राइडिंग में इंडिया ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है इस बार। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। और फैक्ट क्या क्या है? इंडिया वॉज फाउंडिंग मेंबर था किसका? एशियन गेम का, एशियन गेम का इंडिया था फाउंडिंग मेंबर। कब भी हुआ था फाउंडिंग? एशियन गेम फेडरेशन 1959 में, 1949 में। अब प्राउडली होस्ट किया था इनोग्रल इवेंट एडिशन, मतलब अगर आपको पूछ दिया जाए फर्स्ट एडिशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम कहाँ पे हुआ था, ठीक, कौन होस्ट होस्ट किया था, वो था अपना प्यारा भारत। ठीक, थाईलैंड ने होस्ट किया था, सबसे ज़्यादा टाइम ने थाईलैंड ने होस्ट किया है। ठीक, और चाइना कितनी बार होस्ट किया है? चाइना कितनी बार होस्ट किया है? 3 बार, 3 टाइम्स। 2018 विल फर्स्ट एशियन गेम को होस्ट टू सिटी इंडोनेशिया। हाँ 2018 में वो एशियन गेम हुआ था, वहाँ पे दो कंट्री मिलके होस्ट की थी, होस्ट की थी दो कंट्री मिलके। अभी कौन कौन सी कंट्री थी? इंडोनेशिया, पालेमांग, ठीक, कैपिटल ऑफ साउथ समुद्र प्रोविजन की एक कैपिटल है। ठीक,
और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया से आपको क्या आ रहा है? सिंपल सी बात, इंडोनेशिया का सबसे इम्पोर्टेंट जावा आइलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या गुजरती है? अपना इक्वेटर गुजरती है, इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर, बाकी हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, वैसे नए ही होगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ भेज दूँगा, और ये पूरा एनोटेशन वाला पीडीएफ रहेगा। आपको नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एनोटेशन के साथ आप पढ़ सकते हो। ठीक, अगर कोई भी क्वेरी हो रहा है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। हाँ, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, WNA7, क्योंकि वहाँ पे आपको रील्स के फॉर्म में हर स्टेट घूमेंगे, कौन से स्टेट में का कैपिटल क्या है, कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेशनल पार्क क्या है, इम्पोर्टेंट प्लेस का नाम देखेंगे, रिवर्स देखेंगे और से बहुत कुछ देखेंगे। ठीक, तो थैंक्स अगेन।